आप देख रहे हैं सबरा कलर्स ऑफ लाइफ। नमस्कार, मुद्दा में आपका स्वागत है। 6 मई को देश के 7 राज्यों के 51 सीटों पर मतदान होने वाला है, जिसमें बिहार में 5, जम्मू कश्मीर में 2, झारखंड में 4, एमपी में 7, राजस्थान में 12, यूपी में 14 और वेस्ट बंगाल में 7 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। झारखंड की 4 सीटों पर चुनाव होने वाला है, यानी कि झारखंड में दूसरे चरण का मतदान होने वाला है। रांची, खूंटी, कोडरमा और हजारीबाग सीटों पर चुनाव होने वाला है। इस चुनाव में प्रत्याशी अपने अपने भाग आजमा रहे हैं। किस क्षेत्र में किस तरह की स्थिति है, इस विषय पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सबरंग समाचार के एडिटर इन चीफ राकेश कुमार हैं हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे और एक एक सीट के बारे में जानेंगे कि वहां पर की जो स्थिति है वो कैसी है। तो चलिए कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर 8 रांची लोकसभा क्षेत्र पर हम बात करते हैं। रांची लोकसभा क्षेत्र पर अगर मतदाताओं की संख्या बोले तो कुल मिलाकर के 16,48,464 कुल मतदाता है, जिसमें 8,67,783 पुरुष और महिला 7,79,681 हैं, और इन्हीं के बीच में मतदान होता है और लगभग 60-65% मतदान किया जाता है। तो राकेश जी, ये बताइए कि रांची में अब तक जो है चुनाव होता आया है कि कांग्रेस और बीजेपी से, क्योंकि इस बार जो वर्तमान सांसद है रामटहल चौधरी, उनका टिकट काटा गया है और खादी बोर्ड के अध्यक्ष जो है संजय सेठ जी को टिकट दिया गया है और सुबोध कांत तो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। तो क्या लगता है कि अगर वो निर्दलीय अगर खड़े हो गए हैं तो इस सीट के पर क्या स्थिति रहेगी? देखिए, जिस तरीके से रांची सीट की बात की जाए तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि दिलचस्प मुकाबला होने की तैयारी दिख रही है, और जो कुछ माहौल है, खास करके सबसे अहम बात देखने को मिल रही है कि इस बार के चुनाव में कि पूरी ताकत, जो अभी मीडिया का एक रोल नज़र आ रहा था, सोशल मीडिया का, और जो डिजिटल मीडिया की हम चर्चा कर रहे थे लगातार 2014 के इलेक्शन में भी देखने को मिला था, लेकिन इस बार की परिस्थितियां कुछ दूसरे तरह की दिखाई पड़ रही हैं और सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया बड़ी तेज़ी से काम कर रहा है और उसके जो आकलन, उसके जो आधार पे जो चीज़ें सामने दिखाई पड़ रही हैं उसमें अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। और मुझे लगता है कि बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा, त्रिकोणीय नहीं कहा जा सकता है, लेकिन फैक्टर काम करेंगे, यानी कि वोट कितना कटेगा और कितना किसको फ़ायदा, कितना किसको नुकसान होगा, ये सबसे बड़ी बात कही जा सकती है। रांची सीट की हम बात करें, सुबोध कांत सहाय कांग्रेस की तरफ से लड़ रहे हैं, उनको पिछली बार भी एक अच्छा खासा वोट मिला था। हालांकि रामटहल चौधरी बीजेपी के प्रत्याशी थे और उस समय मोदी की लहर थी, नरेंद्र मोदी की एक लहर चल रही थी, वैसे में बड़े मार्जिन के साथ उन्होंने जीता था, लेकिन उस समय जो हम लोग चर्चा पहले भी कर चुके हैं, लेकिन इस बार जो आज की परिस्थिति दिखाई पड़ रही है उसमें कहीं ना कहीं कई फैक्टर भी काम करेंगे। रामटहल चौधरी का भी फैक्टर काम करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इसका फ़ायदा कितना किसे मिलेगा ये भी अभी देखने वाली बात होगी। और मुझे लगता है कि जैसे जैसे चुनाव, अब जैसे जैसे मतदान शुरू होगा और मतदान के बाद के जो प्रतिशत सामने आएंगे कि वोटर किस तरीके से निकल रहे हैं, शहरी इलाकों की परिस्थितियाँ किस तरीके से देखने को मिल रही है, शहरी इलाके के वोटर सड़कों पर आ रहे हैं कि नहीं, वोट बूथ तक जा रहे हैं कि नहीं, या फिर ग्रामीण इलाकों की बात है, दोनों के परिप्रेक्ष्य में अलग अलग आकलन करने की ज़रूरत महसूस होगी। मुझे लगता है जैसे जैसे चुनाव होगा, मतदान शुरू होगा, उसके बाद से हम इस पर और चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल मेरा मानना है कि बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। एक तरफ संजय सेठ जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, नरेंद्र मोदी को फिर से दोबारा प्रधानमंत्री बनाने की बात कही जा रही है, दूसरी तरफ महागठबंधन है, यानी कि पूरी विपक्ष एक तरफ है, मुद्दे कई हैं झारखंड जैसे राज्य में, उन मुद्दों पे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे जो दिलचस्प बात है कि ये काफ़ी कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है और जीत हार का मार्जिन थोड़ा देखिएगा कि आप काफ़ी कम दिखाई पड़ेगा। पिछली बार जो 2014 का चुनाव था उसमें सुबोध कांत को लगभग 1,99,000 मतों से पराजय का सामना करना पड़ा था, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस जो है वो अकेले चुनाव लड़ रही थी। इस बार आरजेडी, जेवीएम और जेएमएम, जो राज्य की बड़ी पार्टियां हैं, ये चारों साथ हैं और यूपीए आजसू एक साथ लड़ रही है। तो अगर उस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो क्या लगता है कि इस बार मोदी फैक्टर काम करेगा? देखिए, मोदी फैक्टर पे हम चर्चा थोड़ा ज़्यादा नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि वो एक अलग मुद्दा हो जाता है कि मोदी फैक्टर कितना काम करेगा नहीं करेगा, ये तो वक्त बताएगा और समय के साथ चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं मोदी के नाम पे लोग अभी भी सामने दिखाई पड़ रहे हैं, लोग चाह रहे हैं कि मोदी को एक बार फिर से मौका मिले, ये मेजोरिटी थोड़ी दिखाई पड़ रही है पूरे राज्य की। अगर हम चर्चा करें रांची जैसे सीट पर, कहीं ना कहीं अभी असमंजस बनी हुई है,
क्योंकि एक तरफ देखा जा रहा है कि सुबोध कांत साहब जो कदावर नेता माने जाते रहे हैं, कई वर्षों से राजनीति में हैं, लंबा समय उन्होंने ग्रामीण इलाकों शहरी इलाकों में गुजारा है, देश के महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, कई मंत्रालय उन्होंने संभाले हैं, तो उनकी चर्चा अक्सर कही जा सकती है कि हो रही है। संजय सेठ नए प्रत्याशी हैं, लेकिन बीजेपी की लहर की बात जब आती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से लोग बातचीत करने लगते हैं। फैक्टर जो काम करेगा, जिस तरीके से रामटहल चौधरी को जो वोट आए थे, वो वोट कितनी वोट बीजेपी के तरफ के थे और कितने वोट रामटहल के अपने वोट थे, उसमें से रामटहल चौधरी कितने वोट ले पाते हैं और फिर बीजेपी को कितनी मिल पाती है, इसी तरह थोड़ा और चर्चा आगे आएगी। तो आजसू के प्रत्याशी जो बीजेपी के साथ अभी महागठबंधन में शामिल हैं, एनडीए फोल्डर में शामिल हैं आजसू, तो वैसी परिस्थिति में उनको लगभग 1.5 लाख का वोट मिला था उस समय, तो ये 1.5 लाख का वोट किधर जाएगा? क्या पूरा का पूरा एनडीए फोल्डर में जाएगा, या फिर उसमें से बंटवारा होगा, या फिर और बढ़ेगा घटेगा, ये सारी चीज़ें अभी भी कहीं ना कहा जा सकता है कि इस पर फैक्टर का काम करेंगी। बंधु तिर्की का भी मैं चर्चा करना चाहूँगा। बंधु तिर्की भी इसी तरह से थे और बंधु तिर्की ने भी लगभग 50,000 से अधिक वोट लाए थे, तो वैसी परिस्थिति में उनका वोट महागठबंधन के साथ जाएगा या नहीं जाएगा, या उनके जो वोट हैं वो महागठबंधन में कितने प्रतिशत शिफ्ट कर पाते हैं, तो ये सब चीज़ें अभी चल रही हैं। हालांकि सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि प्रचार प्रसार तेज है और सभी के घरों तक, लोगों तक सारी बातों को पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से ये चुनाव में अपना वोट करें, और अब वोटरों का इंतजार है, वोटर किस तरीके से निकलते हैं, बातचीत करते हैं और अपना मतदान किसे देखकर जिताते हैं। देखिए, अभी जो परिस्थिति है 2014 की बात करें तो उस वक्त JVM के अमिताभ चौधरी भी थे, लगभग 65,000 वोट उनको भी आए। चलिए उस बात को छोड़ते हैं, और क्योंकि वोट जो प्रतिशत था बीजेपी का वो लगभग 46% था वोट, और 4 लाख के लगभग में वोट आया था और 1.5 लाख से सुबोध कांत हारे थे, 2 लाख के लगभग से हारे थे, यानी कि 2 ही लाख उनको वोट मिला था। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि इस बार जो मतदाता अपने घर से निकलेंगे वोट डालने के लिए, तो क्या वो पार्टी देख के मतदान करते हैं या कैंडिडेट देख के मतदान करते हैं? देखिए, लोकसभा के चुनाव में अमूमन देखा जाता है कि किस तरीके की सरकार बनेगी, अमूमन इस बात पे जरूर चर्चा होती है कि मुद्दे तो जरूर दिखाई पड़ते हैं, लेकिन लोकल इशू पे बातचीत होती है, चर्चा जरूर होती है, लेकिन लोगों के जहन में इस बात का जिक्र जरूर किया जाता है कि आखिर शीर्ष पे कौन बैठेगा। तो ये एक बड़ा फैक्टर नरेंद्र मोदी के लिए है कि नरेंद्र मोदी की पकड़ अभी भी कहा जा सकता है कि उस मामले में जो महागठबंधन है उससे मजबूत दिखाई पड़ रही है, क्योंकि उनकी तरफ से साफ कहा गया है कि अगर एनडीए फोल्डर जीत कर आता है, एनडीए बहुमत में आता है, तो नरेंद्र मोदी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे, ये पहले से उन्होंने तय करके रखा हुआ है। लेकिन जहाँ तक विपक्ष का बात है, खास करके महागठबंधन का सवाल है, अभी तक कोई ऐसा नाम सामने नहीं रखा गया है जिसको प्रधानमंत्री के रूप में देखा जा सके, तो लोगों में अभी भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि आखिर प्रधानमंत्री कौन होगा, अगर विपक्ष को वोट देते हैं तो उनका प्रधानमंत्री कौन होगा, किसके साथ सरकार बना पाएंगे, कैसे सरकार बनेगी, तो इन सारी चीज़ों को लेकर मंथन जारी है। और कल का मतलब अभी जो वोटिंग का बात है, वोटिंग में जिस तरीके का माहौल है उसमें जनता सारी चीज़ों की को बारीकी से देख रही है। आप समझ सकते हैं इसी बात से कि सोशल मीडिया का, डिजिटल मीडिया का दौर है, और जो वोटर हैं, मेरे जो आकलन किया जा रहा है अभी तक 65% के लगभग यूथ मतदाता हैं, मतलब आप टोटल यूथ मतदाताओं को देखेंगे तो 65% हमारे देश के यूथ हैं, तो वो यूथ किस तरीके से चलते हैं वो एक बड़ा फैक्टर होगा। महिलाएं किस तरीके सोचती हैं, महिलाओं के लिए कई आश्वासन, कई चीज़ें कही गई हैं, अभी भी चर्चा में है काफ़ी चीज़ें, चाहे सरकार की तरफ से हो या विपक्ष की तरफ से हो, यानी एनडीए की तरफ से बात किया जाए या फिर यूपीए की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से बात की, तो कई चीज़ों को लेकर मैदान में उतरा जा रहा है। सुविधाओं की बात की जा रही है, समस्याओं के समाधान की बात की जा रही है, आश्वासन का बात किया जा रहा है, आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत हो सकती है उस पर चर्चा की जा रही है, रोजगार कैसे मुहैया करा सकता है कौन, उस पर लोग दावे कर रहे हैं, कौन दावा कर रहा है ये जनता देखेगी, वोटर देखेंगे और वो अपना वोट देंगे। झारखंड के जो मुद्दे हैं, तो झारखंड के मुद्दे लोकसभा चुनाव को कितना इफेक्ट कर सकते हैं? देखिए, झारखंड में जो मुद्दा, खास करके हम जिस तरीके से पिछले कई वर्षों से झारखंड के निर्माण के समय से, जब झारखंड अस्तित्व में आया उस समय से कहा जाता था कि सबसे बड़ी समस्या अगर इस राज्य की रही है तो वो है रोजगार की, जिसके चलते पलायन होता है, जिसके चलते विस्थापन होता है, और माइंस मिनरल्स को लेकर जिस तरीके से दोहन होता है अवैध तरीके से या अवैध तरीके से, उस रेवेन्यू का कितना पार्ट यहाँ के लोगों के विकास के लिए, यहाँ के लोगों को रोजगार के लिए दिया जाता है, उस पर जद्दोजहद चल रहा है। कई जिले हैं झारखंड में, कई जिले हैं जो 5वीं अनुसूची के तहत आते हैं, वहाँ आदिवासियों के विकास के लिए अलग से प्रावधान किए गए हैं, अलग से फंड निर्धारित हैं, उन जिलों में भी उन कहीं कैसे काम किया जा सकता है, इस पर चर्चा हो रही है। जो लोकसभा इस दायरे में आते हैं
वहाँ पे कई तरह की समस्याएं हैं और उलझने काफ़ी हैं, असमंजस की स्थिति काफ़ी बनी हुई है। विकास की जब चर्चा की जाती है तो एक तरफ कहा जाता है कि कैसे विकास होगा, पांचवी अनुसूची के तहत जो जिले हैं वहाँ आदिवासी विकास को लेकर के, आदिवासी को संरक्षण को लेकर के जो फंड आते हैं उसका उपयोग कैसे किया गया अब तक और आगे कौन कैसे करेगा, इस पर चर्चा हो रही है। मतदाता जागरूक भी हुए हैं, खूंटी के इलाके की बात भी हम करेंगे आगे कि किस तरीके से उस इलाके की परिस्थितियां बनती हैं। तो रांची जैसे ज़िले में भी, रांची जैसे लोकसभा क्षेत्र में भी कई ऐसे फैक्टर हैं जिसको लेकर अभी चर्चा की जा रही है। जमीन का मुद्दा होगा, विस्थापन का मुद्दा होगा, रोजगार का मुद्दा होगा, पलायन का मुद्दा होगा, इन सारे मुद्दों को भी देखा जा रहा है और साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि देश को कौन बेहतर प्रधानमंत्री बना सकता है, देश को कौन मजबूत कर सकता है, देश की आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत हो सकती है, देश में लोगों को रोजगार कैसे मिल सकता है, इन सारी चीज़ों को लेकर लोग जागरूक हैं और मुझे लगता है कि अब वोट जो होगा वो एकदम तरीके से होगा और बेहतर तरीके से लोग वोट देंगे और उसका जो रिजल्ट आएगा वो निश्चित तौर पर फिल्टर हो गया है। देखिए, झारखंड का निर्माण हुआ था कि आदिवासियों की स्थिति में सुधार होगा, यानी कि झारखंडी मूलवासी जो हैं, झारखंडवासी या जो मूलवासी हैं उनकी स्थिति में सुधार होगा, लेकिन अगर देखा जाए ग्राउंड स्तर पर देखा जाए तो जो क्रीमी लेयर है, क्रीमी लेयर तो वो दिखाई पड़ता है, लेकिन जो दूर दराज के इलाके में आज भी वहाँ पानी पीने की जो है कमी है, पानी की स्थिति अच्छी नहीं है, बिजली की स्थिति अच्छी नहीं है, बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहाँ पर अभी तक बिजली पहुँची नहीं है, तो वैसे लोगों की उत्थान के लिए किस तरह का माहौल बनना चाहिए, किस तरह की? देखिए, जब हम बात करते हैं जब इन सारे मुद्दों पर, जब अमूमन इन सारे मुद्दों पर जब चर्चा होती है तो कहा जाता है कि सरकार काम नहीं कर पा रही है या फिर नहीं, जो योजनाएँ हैं ज़मीन पर नहीं उतर पा रही है, अंतिम व्यक्ति तक फ़ायदा नहीं पहुँच पा रहा है। लेकिन मेरा जो आकलन है, हाल के दिनों की बात की जाए तो निश्चित तौर पे देखा जा सकता है कि अब थोड़ी परिस्थितियां बदल रही हैं, यानी कि विकास को लेकर चर्चा हो रही है। पिछले 5 साल की हम बात करें तो लोकसभा के चुनाव हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब बनी थी उसके बाद से जब हम आकलन करें तो कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर चला जा रहा है। लेकिन झारखंड जैसे राज्य में जहाँ पे जिन मुद्दों को लेकर बातचीत की जाती रही, यानी कि जल जंगल जमीन की हम चर्चा करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, तो कई चीज़ें सीक्वेंस में आप देखिएगा कि जैसे जुड़ी हुई रहती हैं, एक चेन जुड़ा हुआ है, जो कहीं ना कहीं एक प्रभावित होता है तो उसके चलते दूसरा चीज़ भी प्रभावित होता है और उसको लेकर सभी संजीदा होने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। आज की बात की जाए तो निश्चित तौर पर अभी कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर परेशानियाँ हैं, उन इलाकों में काम किया जाना है, बाकी रह गया है। उसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की तरफ से पहल की गई है, कई चीज़ें सामने दिखाई पड़ रही हैं, बदलाव का दौर चल रहा है। 4-5 साल के जो काम हुए हैं उसमें कुछ चीज़ें जरूर सामने आई हैं, लेकिन अब जो आप जिस बात की चर्चा कर रहे हैं कि आदिवासियों के विकास को लेकर के या फिर गरीब जो यहाँ के मूलवासी हैं उनको विकास को लेकर के कैसे योजना, तो योजनाएँ अब ज़मीन पर आई हैं, कई चीज़ों का लाभ मिल रहा है। थोड़ी जागरूकता की कमी झारखंड में है, लोग जागरूक नहीं हैं, कई चीज़ों की जानकारी सही तरीके से उन तक नहीं पहुंच पाती है जिसके कारण वे उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। योजनाएं काफ़ी सामने आई हैं, चाहे पिछले 10-15 साल में योजनाएं काफ़ी आई हैं और कई चीज़ों का लाभ मिल भी रहा है राज्य की में, लेकिन वर्तमान में मुझे लगता है कि इन मुद्दों के साथ साथ एक मुद्दा जो हावी है वो मुद्दा है कि देश को कौन मजबूत करेगा, देश को कौन सुरक्षित रख सकेगा, और बार बार इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि कैसे हम लोग पूरे इकोनॉमी को ठीक कर सकते हैं, लोगों को कैसे मजबूत कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं और वोट के समय जानकर इस बातों को समझकर वोट करेंगे। दर्शकों के जहन में बात ये उठ रही होगी क्योंकि वो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो उनके दिल में ये कहीं ना कहीं से ये सवाल जो है उठ रहा होगा कि ये जो रांची सीट है, डायरेक्ट वे में तो बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर आप बताएं दर्शकों को कि किस तरह बैठेगा वोट, किस तरह बैठेगा? देखिए, मुश्किल दौर है, खास करके आप जब कैलकुलेशन करेंगे, आप 6 विधानसभा है, यहाँ पे 6 विधानसभा का क्षेत्र आता है, रांची के अलावा आपको कई ऐसे विधानसभा हैं जहाँ पे आप जाकर देखेंगे तो वहाँ की परिस्थितियाँ अनुकूल एक जैसी नहीं दिखाई पड़ेंगी, तो उस परिस्थिति में अभी तुरंत ये बता पाना कि किसका पलड़ा भारी होगा, किस करवट ऊँट बैठेगी, ये एकदम से संभव मुझे लगता है कि अभी आकलन प्रत्याशियों को भी नहीं हो पा रही है, या फिर जो राजनीतिक दल के लोग हैं वो भी पूरी तरह से आकलन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मैंने शुरू में कहा था कि मार्जिन थोड़ा देखा जाएगा कि थोड़ा छोटा होगा, जीत का मार्जिन बहुत थोड़ा, पिछले 2014 की तरह बड़ा मार्जिन होगा, बड़ा मार्जिन था लेकिन बहुत छोटा होगा, लेकिन उस छोटे से मार्जिन के बीच वोटरों कहीं ना कहीं वोटर अपनी भूमिका निभाएंगे, उस मार्जिन के तहत ही सारी चीज़ें सामने आएंगी और उस बात का आकलन तो अब रिजल्ट के बाद ही कहा जा सकता है। बिल्कुल,
तो कुल मिलाकर के इनका ये कहना है कि ऊंट किस करवट बैठेगा ये कहना अभी काफी मुश्किल है, लेकिन ये जरूर इन्होंने कहा इशारे इशारे में कि नेक टू नेक फाइट है और आप अगर अपने प्रत्याशी को जिताना चाहते हैं तो वोट देने जरूर जाएं। फिलहाल यहां पर हम लेंगे एक छोटा सा विराम, कहीं मत जाइएगा क्योंकि विराम के बाद हम बात करेंगे कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के बारे में। छोटे से विराम के बाद